हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनामिका। आज का जो वीडियो है वो है हल्दी कुमकुम रिलेटेड। सो आज है सैटरडे और कल है 21st of January 2024 और कल मैं सेलिब्रेट करने वाली हूं हल्दी कुमकुम। पिछले 7 सालों से मैं हल्दी कुमकुम सेलिब्रेट की हूं, पर हाँ आफ्टर कोविड थोड़ा सा दिक्कत हो गया बिकॉज इन्वाइट करना पॉसिबल नहीं था, किसी को घर पे नहीं बुला सकते थे, किसी के घर नहीं जा सकते थे, तो नहीं हो पाया। एंड भगवान को भी हम रखे पर वो वैसे के वैसे ही रखे क्योंकि भगवान तक पहुंच भी नहीं पाया। सो कोविड में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, सो जिसकी वजह से जिस चीज़ को लेके हम बहुत पंचुअल थे, हम एक्टिव थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिल गया था। बट लास्ट टू लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर ऑब्वियसली 2021 में हम लोग शिफ्ट किए नावेली। एंड देन मैंने मेरा ऑब्वियसली हम लोग रेंटेड हाउस में थे, फिर भी मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था तो मैंने की थी। एंड आई होप उसका भी व्लॉग है, बट इस तरीके से नहीं बनाया है जिस तरह का इस बार मेरा व्लॉग बन रहा है, क्योंकि इस बार का हल्दी कुमकुम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जस्ट बिकॉज ये जो वीडियो मीन्स ये जो व्लॉग मतलब हल्दी कुमकुम रिलेटेड जितने भी वीडियोस या व्लॉग आप तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे नए घर पे, हमारे खुद के नए घर पे हो रहा है। सो पहली बार कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्पेशल तो होगा ही बॉस, और अपने आप को स्पेशल फील भी करवाना है। हल्दी कुमकुम में मैं किसे क्या देने वाली हूँ वो दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ें हल्दी कुमकुम रिलेटेड बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितना मैं जानती हूँ उतना ही मैं कहूँगी। अगर हल्दी कुमकुम रिलेटेड और भी कोई जानकारी है और आपको पता है और मुझे नहीं पता तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी से मिली थी तो मैं दीदी को बता रही थी कि दीदी मैंने इस साल कुछ अलग तरीके से सोचा है, बट उतना हाई फंडा नहीं, पर हाँ छोटा सा प्यारा सा मीन्स इस टाइप का मैंने कुछ मीन्स वो मैं आपको आगे बोल रही हूँ, मैंने दीदी को बताई। सो दीदी ने मुझे ना एक्सप्लेन किया कि हल्दी कुमकुम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। हल्दी कुमकुम इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो हम औरतें नॉर्मली हम लोग किटी पार्टी करते हैं तो क्या होता है, नए नए औरतों से हम मिलते हैं, लेडीज ज्वाइन होते हैं, सो काइंड ऑफ ये इनडायरेक्टली आप इसे भी एक किटी पार्टी का रूप कह सकते हैं। सो क्या होता है कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जितने भी मीन्स अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारे पड़ोसी भी हुए हैं ना, सो यहाँ पे भी शादीशुदा औरतें हैं, सो उनके साथ इंटरेक्शन आगे और बढ़े, दोस्ती गहरी हो, पहचान बने, साथ बने, क्योंकि हम जब एक जगह पे रहते हैं ना, एक अपार्टमेंट में रहते हैं या एक सोसाइटी में रहते हैं, ऑब्वियसली ये पूरा सोसाइटी एक फैमिली होता है, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पे हुआ तो कोई ना कोई आएगा मदद करने, अगर किसी के घर पे कुछ हुआ तो हम जाएंगे उनको मदद करने। सो ये एक बॉन्ड बनाने का एक जरिया है, एक तरीका है अपना बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का। सो ये दीदी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसने मुझे दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अगर इसके अलावा और कोई बात है जो मैं नहीं जानती तो प्लीज मुझे बताना। अब मैं आती हूँ, मैं बैग देने नहीं वाली हूँ, बैग के अंदर जो चीजें हैं वो मैं देने वाली हूँ। सो अंदर क्या है वो बताने से पहले मैंने इस बार क्या सोचा है, किस तरीके का मैं हल्दी कुमकुम करूंगी, जो भी मैंने प्लान किया है वो प्लान पहले मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। वैसे ये मेरा 8वां हल्दी कुमकुम है। मैंने 2015 में शादी की तो ऑब्वियसली 2016 से हल्दी कुमकुम स्टार्ट हुआ। वैसे 2016 से मैंने स्टार्टिंग 2-3 साल मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, कई कई मेरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को एंड मतलब इन लॉज एंड पड़ोसी, इन लोगों को बुला के मैंने किया है। बट एक सर्टेन टाइम में ऐसा भी हुआ है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हल्दी कुमकुम लेके जाते हैं, मतलब स्पेशली किसी को घर पे बुलाकर सेलिब्रेट नहीं किए, बट हम भगवान के सामने हल्दी कुमकुम रखते हैं। सो ये एक प्रथा है जो सालों से चलता आ रहा है। तो मैंने इस बार क्या सोचा है कि क्यों ना, मतलब जस्ट बिकॉज ये साल दिस ईयर 9th में
मेरा और पंकज का मैरिज एनिवर्सरी है जो कि 9 साल कंप्लीट करने वाले हैं हम दोनों एक साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना 9 तरीके की चीज़ें दिए जाए। और ये 9 तरीके की चीज़ें ना, ये अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सालों से सदियों से औरतें इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर आजकल के ज़माने में क्या हम क्या करते हैं, हम लोग क्रीम लगाते हैं। पहले के टाइम पे क्रीम कौन लगाता था, कोई नहीं। धीरे 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 यू नो प्रोग्रेस होने लगा, कुछ कुछ नए चीज़ें आने लगे। अभी तो हम लोग घर पे भी फेशियल करते हैं, फेशियल का साबुन भी आया था, मतलब सोप आया था, करेंट गया फिर से आया। एनीवेज तो हम लोग क्या यू नो फेशियल घर पे करते हैं, स्क्रबिंग घर पे करते हैं, फेस वॉश, अलग अलग प्रोडक्ट, पर ये पहले तो नहीं था ना। तो जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट जो औरतों को ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, वो चीज़ें अपने मतलब यू नो ध्यान में रखते हुए मैंने ये 9 चीज़ों को मैंने चूज़ किया। और वो 9 चीज़ क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से, जो मैंने 9 चीज़ों में से एक मैंने चूज़ किया। पहले तो मैंने सोचा था कि ब्लाउज पीस लूँगी, बाद में मुझे ये फील हुआ कि आजकल के टाइम पे यू नो नॉर्मली कोई ब्लाउज पीस अलग से खरीदते नहीं, क्योंकि साड़ी के साथ मिल ही जाता है एंड ऐसे ही पड़ा रहता है एंड देन वेस्ट होता है, ना ही हम किसी और को दे सकते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि मेरे पास ना इतने सारे ब्लाउज पीसेस हैं जिसका मैं शायद यू नो इजीली एक यू नो शॉप खोल सकती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मैंने फिर ये भी मेरे ध्यान में आया कि शायद हो सकता है मटेरियल कम पड़ जाए, तो फिर क्या फ़ायदा देने का, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया ब्लाउज पीस को और मैंने एक्सेप्ट किया रूमाल को, क्योंकि रूमाल का काम कहीं ना कहीं लग ही जाता है। भले ही आजकल टाइम पे हम लोग वेट वाइज नहीं तो ये यूज़ करते, टिश्यू पेपर यूज़ करते, पर फिर भी कुछ लोग तो कैरी करते ही हैं रुमाल। सो रुमाल पहला आइटम। सेकेंड जो ऑब्वियसली शादीशुदा औरत सलवार कमीज साड़ियाँ वो छोड़ो, जीन्स टॉप भी अगर पहनते तो भी इस चीज का काम आता ही है, सेफ्टी पिन। सो सेफ्टी पिन इज द सेकेंड आइटम। उसके बाद ऑब्वियसली सज सज करते हैं, अपने बालों को भी हम सहलाते हैं सवारते हैं, सो उसके लिए तो कंघी की जरूरत पड़ती है ना, सो कंघी। फिर ऑब्वियसली बाल, मेरी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज मेरे तो बाल, पर इसकी भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती, पर बाकी तो औरतों को जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मैं जिन जिन लोगों को बुलाई हूँ हर एक व्यक्ति के पास लंबे लंबे बाल है। सो ये क्लिप जो कि है फोर्थ आइटम, आई थिंक सो 1 2 3 4 यस फोर्थ आइटम। एंड ऑब्वियसली बाल बाल बनाने के बाद हम लोग अपने चेहरे के ऊपर भी काम धाम करते हैं ना, तो मुंह धोने के लिए संतूर संतूर। ऑब्वियसली अभी के जमाने में तो लोग फेस वॉश यूज करते हैं एंड बहुत सारे तरीके की चीजें आ चुके हैं, बट ये जो चीजें मैंने ध्यान में रखा ये तो सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि अभी जैसे हम फेस वॉश, पहले के टाइम पे फेस वॉश कहाँ था, मेरी माँ के टाइम पे ऑब्वियसली फेस वॉश इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं आया था, दी यूज टू अप्लाई साबुन ओनली, सोप ओनली। तो सोप ये अभी ऑब्वियसली चेहरा धोए हैं तो चेहरे पे तो हम सुंदर दिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें तो अप्लाई करते हैं, उसके लिए काजल। सो 1 2 3 4 5 6 दिस इज द 6th आइटम। एंड जब काजल लगाए हैं तो बिंदी भी लगाते हैं ना, तो बिंदी ये है 7th आइटम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि शादीशुदा औरतें क्या हर एक टाइप की यू नो लड़की मतलब टीनेजर हो यंग हो या ओल्ड हो, हर कोई मेहंदी तो पहनती है एंड ये शादीशुदा का एक बहुत ही अहम चीज़ है जिससे हम और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं ना, जब हाथ में मेहंदी, जो कि आज मैं इवनिंग को पहनने वाली हूँ। ऑब्वियसली उसका ब्लॉग तो आप लोगों के पास आ ही जाएगा जब मैं मेहंदी पहनूंगी, उसका ब्लॉग आप लोगों को कल तक मिल ही जाएगा, पर ये ब्लॉग तो आप लोगों को आई थिंक कल मिल सकता है या फिर मंडे मिल सकता है, इट डिपेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शादीशुदा औरतों के लिए तो बहुत अहमियत की चीज़ है, ये वो है सिंदूर।
सो मैंने ये 9 चीज़ें मैंने चुनी हूँ जो हम औरतों को बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है जो मैरिड वुमेन होते हैं. एंड ऑब्वियसली ये जो ओकेशन होता है, दिस ओकेशन ओनली फॉर मैरिड वुमेन. ये शादीशुदा औरतों के लिए ये क्या बोलते हैं, डिज़ाइन किया गया है ये फेस्टिवल. ये फेस्टिवल एक्चुअली हाँ एक महीने तक चलता है, तो ये फेस्टिवल ही है क्योंकि हम किसी को अपने घर बुलाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं. इंजॉयमेंट्स कम समवेयर, यू नो, किटी पार्टी वाला यू नो माहौल बनता है, तो अच्छा है. सो ये हमारा देसी किटी पार्टी है. यस, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल का. मैं पता नहीं, मैं इस बार बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं इस टाइप का मैंने कभी सोचा नहीं था, अचानक दिमाग में आया तो मैंने सोचा क्यों ना. 9 साल, 9 इज़ माई फेवरेट नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने सोचा क्यों ना 9 तरीके की चीज़ें दिया जाए. इसलिए मैं एक्सपेंसिव चीज़ों में नहीं गई हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो कौन मतलब मैं जिन जिन लोगों को बुलाने वाली हूँ ना, दे आर ऑल यू नो मीन्स दे यूज अ हाई प्रोडक्ट, यू नो मीन्स अ हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. सो आई नो दे विल नॉट अप्लाई ऑल दिस, बट जस्ट बिकॉज दिस इज अ फेस्टिवल, दिस इज क्या बोलते हैं, मीन्स एक मीन्स यू नो जोड़ के रखने के लिए, एक बॉन्डिंग बनाने के लिए. सो ये जोड़ने के लिए ये हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए हम गिफ्ट करते हैं. सो मैंने सोचा ये ऐसे ही देते हैं, जो जिनको लगता है वो यूज़ कर सकते वो यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी उनकी मर्जी. बस मुझे देना था 9 तरीके की चीज़ें, तो मैंने ये 9 चीज़ें मैंने चुनी. रुमाल, सेप्टिपिन, साबुन, काजल, कंघी, क्लिप, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर. सो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ. अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आए इस वीडियो में, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड हैप्पी हल्दी कुमकुम टू. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.